भदोही में हुए स्पोर्ट में 11 लोग की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी के घर पर विस्फोट हुआ है वो काफी समय से अवैध पटाखों का कारोबार चला रहा था। फिलहाल बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। भदोही में विस्फोट से जमींदोज हुआ मकान। मलबे में दबने से 11 लोगों की मौके पर मौत। तीन लोग नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। धमाके के बाद एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। दिल को दहला देने वाला ये मंजर यूपी के भदोही का है जहां पर एक मकान में विस्फोट होने से न केवल 11 लोग काल के गाल में समा गए बल्कि धमाके से पूरा मकान ही जमींदोज हो गया। तस्वीरों में देखिए धमाके के बाद घर की हालत। ये धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के शव तक क्षत विक्षत हो गए। भदोही पुलिस के मुताबिक अख्तर अली चौरी थाना क्षेत्र में अपने मकान में अपनी कालीन निर्माण इकाई चलाता था। इसी बीच शनिवार दोपहर 12 बजे के आसपास उनकी इमारत के भीतर एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसके बाद मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जोरदार धमाके से थर्राया इलाका। आसपास का इलाका धमाके से थर्रा उठा। जिस किसी को भी इसकी जानकारी हुई मौके पर अनहोनी की आशंका में दौड़ पड़ा। प्रशासन के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। घटना की जानकारी होते ही अग्निशमन दस्ता और पुलिस दल ने पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। वाराणसी से भी आला अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम भेजी गई। जो प्राइमरी फेसिंग पर सूचना है कि यहाँ पर एक लूम लगा हुआ है। जिस व्यक्ति का लूम है वो परचून का भी काम करता है और उसके यहाँ पे कारपेट बनने का भी काम होता है। संभवतः कुछ मजदूर भी इसके अंदर थे और यहाँ कारपेट का काम जो जैसा बताया गया कि हो रहा था, लेकिन इसकी आड़ में यहाँ पर ये पटाखे बना रहे थे। इसी में विस्फोट हुआ है जिसमें अब तक 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव और राहत ऑपरेशन जारी है। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के मकानों में दरारें आ गई हैं। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। वजह तो विस्फोट ही हुआ है। यहाँ ये बताया गया है कोई आतिशबाजी की दुकान भी थी, आतिशबाजी सामान बेचते थे, उसी की वजह से हुआ है। एनडीआरएफ बुलाई गई तो जांच का विषय है। विस्फोट से हुआ है तो निश्चित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के समय कई बुनकर कालीन के काम में लगे थे। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। ऐसे में अब पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जिससे पूरे मामले का खुलासा हो सके। भदोही से राकेश सिंह की रिपोर्ट, नेशनल वॉइस के लिए।